छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी अपने ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बेरुखी से जूझ रही है। ताजा मामला अल्पसंख्यक कांग्रेस की बैठक का है, जिसमें नदाल रहने वाले 88 पदाधिकारियों को नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस से पार्टी में खलबली है, तो वहीं भाजपा को बैठे बिठाए तंज कसने का मौका मिल गया। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस बैठकें कर रही है। सभी विभाग और प्रकोष्ठ भी कसावट में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को अल्पसंख्यक कांग्रेस ने एक अहम बैठक राजीव भवन में बुलाई। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब की मौजूदगी में ये बैठक हुई, लेकिन बैठक में 88 पदाधिकारी पहुँचे ही नहीं। इनमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 51 प्रदेश सचिव और 9 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया। अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अमीन मेमन ने सभी को नोटिस थमा दिया। प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक साथ 88 नेताओं पर ऐसी कार्रवाई हुई है। उनमें 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। यूं तो यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन एक साथ इतने अधिक नेताओं को नोटिस ने भाजपा को तंज कसने का अवसर भी दे दिया है। देखिए, कांग्रेस से सभी दूर हो रहे हैं, अल्पसंख्यक की क्या बात है। वो तो केवल वोट की राजनीति की बात करते हैं और वोट बटोरने के लिए सब करते हैं, चाहे एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, किसी का भला नहीं किया है। भला किया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी ही भला किया है। ये एक्चुअली क्या था कि कल हमारे जो नए प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी जो है वो मोहम्मद गुलाब भाई और सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी जी का प्रथम आगमन हुआ, और कल हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी थी और उसमें जो भी पदाधिकारी जो जिनको सूचना हो गई थी, पूर्व में सूचना दे दी गई थी और उसके बाद भी वो नहीं आए, तो उनको हम प्रभारियों के निर्देशानुसार उनको नोटिस जारी किया, जिसमें 9 जिला अध्यक्ष हैं, 9 प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, 19 महासचिव हैं और 51 सेक्रेटरीज हैं। अल्पसंख्यकों को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है। इस वजह से भाजपा देश भर में कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। ऐसे में बड़ी बैठक से अल्पसंख्यक नेताओं की दूरी ने पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। भले ही नेताओं को नोटिस थमा दी गई हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने रणनीतिक कारों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।